आज मैं बात करता हूँ लड़वाकोट ग्राम पंचायत के युवा उप प्रधान मुकेश मनवाल जी से। तो स्वागत है मुकेश मनवाल जी आपका। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे ग्राम सभा में आए हैं। तो मनवाल जी, एक तो आपकी ग्राम पंचायत जो बहुत बड़ी है जी, ये इधर जो है घाईसैंण हो गया है जी। इसके बाद जो है प्लेड है जी, उसके बाद जो है प्लेट खुर्द है, खुर्द भी उसके बाद लड़वाकोट, तो बहुत बड़ा क्षेत्र जी जी इसका। हाँ, आप यहाँ से देख लो कि 25-30 किलोमीटर दूर है हमारा, वहाँ लड़वाकोट जो मेन ग्राम सभा है यहाँ से 25 किलोमीटर। तो हम चाहते हैं कि इसका भी अगर परिसमन किया जाए तो हमें यहाँ नज़दीक जोड़ दिया जाए, मतलब भोपाल पानी में जोड़ दिया जाए या बड़ा से वाले ग्राम सभा में जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमें नज़दीक रहेगा। हाँ जी, अच्छा आपको जो है मतदान के लिए भी यहाँ से प्लेट जाना पड़ता? बिल्कुल, प्लेट जाना पड़ता सर, सभी लोग नहीं जा पाते जी, ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो नहीं जा पाते, जैसे हम लोग यंग हैं तो हम तो चले जाते हैं, और जो कुछ जाते भी हैं तो एक दिन पहले चले जाएंगे तो वहीं ठहरते हों, अपने रिश्तेदार के वहाँ कहीं बड़ा हुई ना जी। प्लेट में है हमारा मतदान केंद्र। तो प्रधान जी, एक तो जो है जैसे आपका ये घाईसैंण वाला विद्यालय प्राइमरी स्कूल जी, तो बंद जी, हो गया जी, वहाँ भी स्थिति बड़ी खराब है जी 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 जीर्ण शीर्ण स्थिति है जी हाँ, प्लेट वाले की जाते हैं जी 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 जी। तो और जबकि वहाँ पे जो है सर, हमारे जो मत होते हैं, मतदान जो होता है मतदान वहीं होता केंद्र है, भी है वो, वही है प्लेट वाला स्कूल जहाँ आपकी आप बात कर रहे हाँ हैं, मतदान केंद्र केंद्र। भी लेकिन होगा वो ऐसे जीर्ण शीर्ण स्थिति में, उसका जो है प्लास्टर गिर रहा है, अंदर छत भी टपक रही है, गेट भी टूटा हुआ है, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, बड़ी खराब स्थिति है जी। और DM साहब आए थे हमारे जी लड़वाकोट में, जी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी थे, उनको दिया था हमने उस समय लेटर लिख के आगे, प्रधान जी नहीं थे उनके लेटर पैड पे, जी तो वहाँ से बाद में फ़ोन करा था मैंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने जो शिक्षा विभाग के कोई मैडम है, उनका नाम भूल गया, उनका नाम बताया था मैंने कुछ, जी उनको भेज दिया, पर अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, आपके यहाँ देखो प्लेट में सड़क की भी अभी समस्या बनी हुई है, जी प्लेट कला में भी जी जी दोनों, और और प्लेट हमारे घायसिन खुर्द में में भी जी, और यहाँ ये अपना घाईसैंण में भी घायसिन बनी में हुई जी है। जी जी और हालांकि ये ग्राम पंचायतों के पास इतना ज़्यादा अधिकार नहीं है, जी पर जनता तो ये है कि जनप्रतिनिधियों को ही जो है पकड़ती है, यानी गाली खाने का काम तो आपका है जी ही जी वो तो है सर, वो है तो अगर बात है काम जो है नहीं होगा, भले ही आपके स्तर का नहीं है, पर जनता तो ये चाहती है कि भाई हमारे प्रतिनिधि आप ही हैं, हम आगे तक अपनी बात नहीं रख सकते आपके माध्यम से। तो 2 साल हो गए प्रधान जी जी। 2 साल तो हो चुके हैं सर, अपनी तरफ से हम भी जितना मेरे से होता है मैं लगा रहता हूँ प्रयास करने पे, और सड़क तो खैर सबसे बड़ा मामला है सर, जी स्कूल बंद होने के कारण भी सड़क ही है जी अगर माना सड़क होती तो स्कूल जो जी, है स्कूल भी चालू होते, क्योंकि स्कूल बंद इसलिए हुए जी क्योंकि गांव के लोग प्लान कर चुके हैं, जी गांव छोड़ चुके हैं, शहरों में रह रहे, कोई थानों में रह रहा, कोई रायपुर रह रहा, सब अपने बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। और कोई थोड़ा बहुत नौकरी करता है, हर कोई अपना काम धंधा चल तो रहा है। पलायन का कारण एक तो सड़क हो गया सड़क है सर मेन, तो मैं तो सड़क देखता हूँ अगर सड़क, जी, क्योंकि बिजली भी इस समय अच्छी है, हर जगह है, बिजली की पानी भी व्यवस्था फिर ठीक भी है, हो पानी जाता ठीक है, है जी जी पर मेन है सड़क। जी आप अभी हमारे इस क्षेत्र में आए घायसर में, यहाँ देख लीजिए आप कैसे जी हाल है सड़क के, प्लेट में आप घूम के आ गए, वहाँ भी हाँ जी सड़क के क्या हाल है जी अच्छा, एक और मैं देख रहा था कि जैसे इस घाईसैंण में और चित्तौड़ में जो है जी काफ़ी छोटे बच्चे हैं, जी जी तो इन बच्चों के लिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ से कालीमाटी जाना जी हाँ पड़ता है, जी 2 किलोमीटर हाँ, दो से ज़्यादा, किलोमीटर आ रहा सर, काली मिट्टी दो 2 किलोमीटर किलोमीटर है, जी छोटे बच्चे लोग बता रहे जी हैं कि जा जी नहीं और पाते। चित्तौड़ वालों का तो तलाई में है पर अगर माना यहाँ पर ही होता है तो उसमें ऐसे ग्राम पंचायत का भी कोई बंधन नहीं है इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से जी हाँ, दूरा ये हो पड़ता है सकता नहीं है, अगर होगा तो जी सर कि कर सकते हैं आंगनबाड़ी के लिए हाँ आप जो जी, है यहाँ पर आंगनवाड़ी जो खुल है जाए, जी, अगर प्राइमरी स्कूल बंद हो गया है तो हाँ आंगनवाड़ी केंद्र खुल सकता है जी, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे जब तक, 6 साल तक के जब जी तक जी आंगनबाड़ी में रहते हैं, वो छोटे बच्चों को जो है विद्यालय में बैठने की कोई सुविधा जो है बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है हो थोड़ा सकती है सर, जहाँ पे हमारा विद्यालय वहीं पे बन सकता है, जी 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 उसी तो विद्यालय प्रधान में जी जैसे अभी जो है 2022 का चुनाव आने वाला है, जी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, तो आप भी जनप्रतिनिधियों से, अपने विधायक जी से, जिला पंचायत से और जो हमारे प्रतिनिधि आगे हैं उनसे भी कुछ, आपका कुछ तालमेल जी कुछ आगे अब ज़्यादा तो है नहीं मेरा किसी पर, अपने जी जी नज़दीकी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे हर पार्टी के, तो उनसे बातचीत होती रहती है, जब भी मिलते हैं तो उनसे पूछते रहते हैं, वो आश्वासन देते हैं जी कि हाँ भाई आपकी सड़क बनने वाली है, बनने वाली है, तो हाँ जी और 5 साल तो ये वाली पार्टी भी ख़त्म होने वाले निकल गए हैं, अब 6 महीने रह रखे जी, तो देखो, तो अभी तक तो सड़क का कोई नामो नहीं निशान नहीं है, सड़क की तो संभावना है कि बरसात बाद जो है इसमें काम लगने की पता पूरी नहीं, अब देखते उम्मीद हैं है सर बरसात बाद, जी। क्योंकि सब कुछ हो चुका है, हाँ जी सुनने में तो यह आया कि सब कुछ हो चुका है, 90% काम हो चुका है, दस जी परसेंट काम है, कि अब जी तन जी 10% कहाँ जी रोका जाता है, बजट नहीं मिल रहा है, हाँ जी तो कोविड का हवाला तो सभी दे रहे हैं कि कोविड है इसलिए जो है मैं अभी आपकी ग्राम पंचायत में प्लेट खुर्द में गया था, जी तो वहाँ मुझे जानकारी मिली कि आंगनबाड़ी वहाँ से लड़वाकोट लगभग चार हाँ, किलोमीटर लड़ा से ज़्यादा है, ज़्यादा दूर, जंगल का तो रास्ता है जंगल का पूरा रास्ता है, तो वहाँ भी एक परिवार ऐसा था जो कुछ समय पहले वो धारकोट में जो किराए के कमरे पर रहा,
तब आंगनबाड़ी में जो है बच्चों को उन्होंने पढ़ाया पढ़ाया अब बच्चे वो प्लेड जो है कला में जाएंगे जी। उनकी दो बालिकाएं हैं, वो बड़ी हो गई हैं विद्यालय में पढ़ने वाली जी। तो अभी भी जो है वहाँ से काफी दूर है आना जाना जी जी। हाँ, 2-3 किलोमीटर तो होगा वहाँ से। डीएम साहब तो हम उस दिन तो बहुत आस्ती की डीएम साहब आए, उन्होंने सड़क का भी आश्वासन दिया जी, ये लोड़ाकोट की सड़क बनेगी। तो नई पीढ़ी है, आप अभी युवा हैं तो नए लोगों से ज्यादा उम्मीद जनता को भी जी जी जी। और मैं सभी गाँव वालों से भी यही चाहता हूँ कि सब मिलके करें काम जी, सभी प्रधानों को, सभी जिला पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, सबको मिलके काम करना चाहिए जी। तभी जाके जो है गाँव का विकास हो पाएगा, क्योंकि प्रतिनिधियों का सबसे जो हमसे सीनियर प्रतिनिधि उनका दायित्व बनता है कि वो जाए विधायकों के पास जाए, हो सके तो मुख्यमंत्री से मिलें। हमारे जो उनके कैंडिडेट है जी, जो सीनियर कैंडिडेट, उनसे मिलने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि भाई हमारे गांव में ये सुविधाएं नहीं है जी, क्यों नहीं है, उनसे जानकारी लेनी चाहिए उन लोगों को। 2 साल तो ये ग्राम पंचायत को भी चुनाव, वो 2 साल निकल गए, 2 साल निकल चुके हैं, अब 3 बचे हैं, अब फिर जो है जनता के पास 3 साल फिर जनता के पास तो और खरी खोटी और क्या करें सर, एक मत ऐसा ही है जनता के लिए जो इसका अधिकार भी हमें है और देना भी चाहिए जी। पर ये साल में तो हर कोई बोलता है कि हम जो है बोर्ड बहिष्कार करेंगे, कोई बोर्ड बहिष्कार इसलिए करेंगे कि मेन सुविधा आपको बताइए सड़क नहीं है, इस कारण हमारे गांव से पलायन कर चुके हैं काफ़ी लोग। हमारा ही घर अकेला है, यहाँ पे भी हमारे भी ताऊ जी हैं जो रायपुर में रहते हैं, उनका लड़का भी, वो भी कई बार बोलता है कि यार मेरे को आना है, पर वो सुविधाएँ देखता है, कोई बचपन से शहर में रहें तो बच्चे भी उसके शहर में पढ़े तो वो देखता है यहाँ पे सुविधा नहीं है जी। हाँ जी बिल्कुल, आपके आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है इसके गांव में आप जो भ्रमण कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के द्वारा आप जो है सभी को जो है ज्ञात कर रहे हैं कि भाई ये दिक्कतें हैं, इसी तरह से जो है जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आज प्रतिनिधि बन चुके हैं और अपने गाँव को भूल जाओ, चाहे विधायक जी हों, चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे जिला पंचायत जी हो, चाहे क्षेत्र पंचायत जी हो, उनको गाँव में आना चाहिए, गाँव की समस्याएँ देखनी चाहिए। कोई किसी बोर्ड के टाइम पर आते हैं सर, बोर्ड के टाइम पे अच्छी अच्छी मीठी मीठी चुपड़ी बड़ी बातें करते हैं जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कामना है कि अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप लगे रहेंगे जी जी, तो बिल्कुल सर लगे रहेंगे। हमें साथ देने वाला आदमी चाहिए, हमें साथ चाहिए सर जी, अगर जी। हमारा कोई साथ देने हमें, क्योंकि अभी तो हम इतनी गाइड आज तक लाइन में रहे नहीं जी जी, और अगर हमें कोई गाइड करता रहेगा तो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत सर, बहुत धन्यवाद।